आज पूरे राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर की ट्रेड यूनियन श्रम संगठनों के द्वारा 3 तारीख को काली छतरी और काली पट्टी बांध करके श्रम विरोधी कानून को लेकर आज सभी श्रम संगठनों ने विरोध किया है, जिसमें इंटक, एटक, सीटू, एचएमएस ये सभी श्रमिकों ने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया है। नरेंद्र मोदी द्वारा जो निजीकरण किया जा रहा है संस्थाओं का और जो निरंतर महंगाई और पेट्रोल का भाव बढ़ता जा रहा है, उन सब की मांगों को लेकर श्रमिक विरोधी कानून जो बनाए जा रहे हैं उन सब चीज़ों को लेकर के आज ज्ञापन और प्रदर्शन किया गया है। और स्थानीय स्तर पर जो समस्याएँ राज्य स्तर की है उनको अशोक गहलोत के नाम से हमने ज्ञापन दिया है। उसके अंदर जो टेक्सटाइल के श्रमिकों के साथ जो शोषण हो रहा है, प्रवासी श्रमिकों का जो कार्य होना चाहिए वो प्रवासियों को सुविधाएं नहीं दी जा रही, बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है, उसके विरोध में बिजली और पानी की जो मांग है उसके बिलों को निरस्त करने के लिए विशेष करके मांग रखी गई है। पिछले 2 महीने से भीलवाड़ा के टेक्सटाइल श्रमिकों को फैक्ट्री मालिकों द्वारा लॉकडाउन का वेतन नहीं दिया जा रहा है और साथ ही उनको काम से बेदखल किया जा रहा है। श्रम विभाग भी पंगु होकर के बैठा है, कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ पिछली बार भी 23 तारीख को हमने ज्ञापन दिया परंतु उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। भीलवाड़ा की जो बड़ी बड़ी यूनिटें हैं, जो संगम, बड़जातिया, टाइटन, सूरज यूनिवर्सल, इन बड़ी फैक्ट्रियों के कम से कम 200-250 मजदूरों को रोड पे कर दिया है, इनका लॉकडाउन का पैसा नहीं दिया जा रहा है।